हेलो दोस्तों, आज हम लोग श्रीधराचार्य के सूत्र से द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। देखिए, श्रीधराचार्य के सूत्र से हम द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, इसके लिए आपको करना क्या है। आप देख रहे हैं, एक समीकरण दिया गया है 3x² - 7x - 4 = 0 लिखा गया है। तो अगर आप इसको सिंपल ढंग से भी हल करना चाहें तो नहीं हल हो पाए, क्योंकि जैसे 3 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा। अब 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि 7 आए, और घटाने पर ऐसा गुणनखंड नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमें श्रीधराचार्य का सूत्र उपयोग करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, पहले देखिए श्रीधराचार्य का सूत्र पहले लिख लेंगे। तो श्रीधराचार्य का सूत्र लिखें क्या होता है, लिख लेंगे कि x बराबर होता है -b + -√b² - 4ac/2a। अब यहाँ पर देखना है a क्या है और b क्या है और c क्या है। देखिए, इस समीकरण में जो समीकरण दिया गया है 3x² - 7x - 4 = 0 में जो x² का गुणांक है वही a है, तो a बराबर कितना हो गया, 3। x का गुणांक जो है ये b है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप लिख देंगे हो जाएगा -7, और c हो जाएगा -4। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए मानक समीकरण होता है कि ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर c की तुलना याद करें, c -4 हो जा रहा है, b की तुलना करें b-7 हो रहा है, और ये देख रहे हैं 3 हो रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको आप अपने इस फार्मूले में रख देंगे। तो फार्मूले में रखें तो क्या लिखेंगे, अब लिखिए इसको लिखेंगे कि x - b, तो -b क्या प्रस्थान क्या लिख रहे हैं, 7 है, तो यहाँ पहले ऑलरेडी माइनस लगाइए, इसको कोष्ठक में लिखिए -7, फिर देखिए प्लस माइनस, इसके बाद कोष्टक में लिखना है -7/2, फिर आगे माइनस लगाना 4, ए कितना है, ये देख रहे हैं 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे × 3। इसके बाद सी देखिए -4 है, तो लिख देंगे -4, और कुल के बटे कितना है, 2 × 3, इतना लिख दिए। अब आपको इसको सरल कर लेना है, माइनस माइनस प्लस हो जाए तो आ गया 7, यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस, देखिए ये कितना हो जाएगा, -7² करेंगे तो आ जाएगा 49, और यहाँ देखिए -4 में गुणा करेंगे 4 × 16 = 48, तो आप लिखेंगे प्लस, ये हो गया 48, नीचे आ गया कितना, 3 × 6, तो आ गया x = 7 + -, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9 × 8 = 17, 4 × 4 = 8 = 9, 97 हो गया, और नीचे आ गया 6। तो इस तरह से आपको एक मान मिल गया, देख रहे हैं, यह है कि आपको मिल गया कि x = 7 + -, कैडी में 97/6। तो चूंकि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, दो शून्यक होते हैं, इसको हम शून्यक कहते हैं या मूल कहते हैं या वैल्यू कहते हैं। अगर कोई समीकरण द्विघात वाला है तो उसके दो वैल्यू प्राप्त होंगे, अगर 3 घात वाला है तो 3 वैल्यू प्राप्त होंगे, अगर 1 घात वाला है तो उसकी 1 वैल्यू होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं द्विघात समीकरण है, तो इसलिए इसके 2 वैल्यू हुए,
तो दोनों वैल्यू को हम एक को अल्फा लिख देते हैं, लिख देंगे और एक को बीटा। तो देखिए अल्फा बराबर हो जाए क्या, अल्फा बराबर हो जाएगा 7 प्लस कैडी में 97 बटे 6 हो गया। अब इसको हम और सरल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। सरल करने के मतलब इसको हम बहुत करेंगे, इसका वर्गमूल लेकर कर सकते हैं, लेकिन केवल आपको इतना ही करके छोड़ देना है। अब देखिए लिखेंगे बीटा बराबर क्या लिखेंगे, बीटा बराबर लिख देंगे, बीटा बराबर हो गया 7, आपकी बार माइनस लेंगे तो हो गया माइनस कैडी में 97 और कुल के बटे 6। इस तरह से आपके अल्फा और बीटा इसके दो मूल हो गए। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक्स।